आप जानते हैं पंजाब में चुनावी मौसम है और चुनाव में जिस तरह से अपनी अपनी भागीदारी तमाम दिग्गज दिखा रहे हैं और इसी बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई भी चर्चा का विषय बन चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है कि 10 अलग अलग जगहों पर ईडी ने अपनी कार्रवाई की है और एक बड़ी रेड हुई है छापेमार कार्रवाई पर। अब मुख्यमंत्री चन्नी का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा कि हमें जबरन टारगेट किया जा रहा है, चुनावी माहौल है और इसी बीच इस तरह का बयान सामने आया आप जान सकते हैं और ये अपने आप में समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से बयान दिया गया है और ये राजनीतिक बयान आप कह सकते हैं क्योंकि सीधे सीधे एक बड़ा बयान चन्नी कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके जो करीबी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके नजदीकी हैं, उन पर भी छापेमारी का एक बड़ा साया है। अब ऐसे में चन्नी ने जो कुछ कहा वो आप सुनिए। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे सेम पैटर्न पे। अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं, परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता है, ये तो मैंने जो टीवी और खबरों से सुना है उसके हिसाब से रेड हो रही है। अभी तक मेरे पास इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि अल्टीमेटली हमारे मंत्रियों को और मुझे ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था, 2017-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं।